अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। ये आज हमने सीरीज का डिज़ाइन तैयार किया है। ये तीन स्टेप बनाए हमने और यहाँ पे हमने लूप्स पोटली बटन लगाए हैं। चले आए देखते हैं किस तरह तैयार किए। ये धोखा था हमारे पास कपड़ा था, ठीक है। इसी कपड़े में थे हमने स्लीव्स काटी हुई है, नॉर्मल जो हम काटते हैं। ये 14 इंच हमारी स्लीव्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारी 10 इंच की फ्रिल लगेगी और 23 इंच की हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएगी। और यहाँ से हमने मोरीज की 5 इंच रखी हुई है, ठीक है। तो इसे हम हटा लेंगे और ये कपड़ा हमारा बड़े अरस का है, ठीक है। बड़े अरस का हमें 2 गज कपड़ा चाहिए, तब जाके हमारी 2 स्लीव्स तैयार होंगी, ठीक है। एक स्लीव्स के लिए 1 गज आएगा हमारा कपड़ा। तो इसे यहाँ से हम 30 इंच पे निशान लगा लेंगे, इसे काट लेंगे। यहाँ से भी हम इसे नाप लेंगे, हमारा यहाँ से भी 30 इंच होना चाहिए। ये हमारा 30 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा पूरा चकोर हो गया, चारों साइड से 30-30 इंच हो गया हमारा कपड़ा। इसी तरह के 2 पीस हम और काटेंगे। ये 30-30 इंच के काटे, एक पीस हम काटेंगे 27-27 इंच का, ठीक है। चारों साइड से हमारा 27 इंच होगा और एक पीस काटेंगे 24 इंच का। ये 2 पीस हमने और काट लिए, ठीक है। एक 27-27 इंच वाला चारों साइड से हमारा 27 इंच है और एक पीस काटा हमने 24 इंच वाला, चारों साइड से हमारा 24 इंच है, ठीक है। तो हम सबसे बड़ा पीस पहले बिछाएंगे जो हमने 30 इंच का काटा था। इसे हम यहाँ से इस तरह मिला लेंगे, यहाँ से भी हम इसे डबल कर लेंगे इस तरह। तो हम 27 इंच वाला पीस इसी तरह चार डबल करके इसके ऊपर बिछा लेंगे। इसका ख्याल रखना चाहिए हमारा, ये देखें, ये हमारे से यहाँ से एक साथ है, हमारा खुला हुआ साइड यहाँ से है, ठीक है। तो इसी तरह आना चाहिए हमारा ये वाला पीस भी। अब हम 24 वाला पीस भी इसी तरह बिछा लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, मैंने तीसरा पीस भी इसके ऊपर बिछा दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे तीनों पीस एक जैसे आ रहे हैं और जो हमारे खुले हुए साइड है ये रही, ठीक है। तो तीनों पीस हमें इसी तरह बिछाने हैं एक ही रूप पे। तो हम इसे निशान लगा लेंगे, इस साइड पे निशान लगाएंगे, हम इसे 4 इंच पे हम इसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इस नोक से यहाँ पे इस तरह भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 4-4 इंच पे मैंने निशान लगा लिए। ये ऊपर वाले पे हम इसे लगाएंगे 4.5 इंच पे निशान। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, यहां से हम तीनों की एक साथ कटिंग करेंगे। और यहाँ से हम सिर्फ ऊपर वाले की कटिंग करेंगे, ठीक है, जो हमसे हमारा सबसे छोटा साइज। इसे हम हटा लेंगे। अब यहां से हम इसे 3.5 इंच बड़ा निशान लगाएंगे, ठीक है। ये जो हमने कटिंग की है इससे 3.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे।
अब हम इसकी दूसरे वाले की कटिंग करेंगे, नीचे वाले की अभी नहीं करेंगे हम। हमारी कटिंग हो गई, ये दूसरे पीस की भी हमने कटिंग कर ली, ठीक है। हम नीचे वाले को भी इसी तरह हम कटिंग करेंगे, ये 3.5 इंच पे हम इससे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी तीनों फ्रिल कटिंग हो गई। अब हम इसे यहाँ से सबको काट लेंगे, ठीक है। ये जितने भी हमारे पीस हैं सबको यहाँ से हम काट लेंगे। ये दोनों स्लीव्स की हमने जो है ना फ्रिल एक साथ बिछा दी थी। ये हमने कटिंग कर ली सबकी यहाँ से, ठीक है। तो हम सबको नीचे से यहाँ से हेम कर लेंगे बारीक, नीचे वाली साइड पे इस तरह बारीक मोड़ के यहाँ पे हेम कर लेंगे। आप चाहे तो पिको भी करवा सकते हैं, अगर आप हेम करना चाहें तो हेम भी कर सकते हैं। ये मैंने हेम कर दिया बारीक, ठीक है। हमने दोनों आस्तीनों की फ्रिल को इसी तरह हेम कर दिया, तीनों स्टेप को। इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह। इसके बाद हम इसके छोटे वाले स्टेप रखेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम ये छोटा वाला, इस सबसे छोटा वाला स्टेप रखेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इसे, ठीक है। और इस साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए हमने स्लीव्स काटी हुई थी इसकी, यहाँ से हमने 5 इंच रखी थी। शुरू में हमने आपको बताया था, नाप के दिखाया था, ठीक है। तो हमारी डबल जो है 10 इंच हो जाती है। तो यहाँ से हमारी 16 इंच है, ठीक है। तो इसे हमें चुन देनी है यहाँ पे, 10 इंच करना है हमें इसे। हमने हल्की हल्की चुन दे दी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बूट का दबाव छोड़ दिया इस साइड पे, और इस साइड पे भी एक बूट का दबाव छोड़ दिया, और 10 इंच की हमारी ये चुन आ गई। अब हम ये एक एक बूट का दबाव अपने दबाव में ले लेंगे कपड़े में, फिनिशिंग में। और ये हमने लूप्स डोरी तैयार की हुई है, ठीक है। इसके 3 लूप्स काट लेंगे हम। ये लूप्स हम यहाँ पे लगा देंगे 3 इस हिस्से में, ठीक है। ये छोटी हमारी फ्रिल है, सिर्फ यहाँ तक आएंगे हमारे लूप्स। ये हमने लूप्स लगा दिए, ठीक है। ये हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी हुई, इस पट्टी को यहाँ से हम डबल कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे इसके साथ रख लेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
पट्टी लगा ली, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग की है जो हमारा दबाव में अंदर चला जाएगा। हम इसे यहाँ पे भी लक्की सिलाई लगा लेंगे इस साइड पे, पट्टी के ऊपर आएगी हमारी लक्की सिलाई। लक्की सिलाई लगा दी यहाँ पे, ठीक है। हम इसकी दूसरी साइड पे यहाँ पे पोटली बटन लगाएंगे। ये पोटली बटन हमने तैयार किए हैं, ये कपड़े के तैयार हुए हैं, मोती नहीं लगा हुआ इसके अंदर, ठीक है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोटली बटन हम इस हिस्से में लगाएंगे, जितने गैप से हमारे लूप्स लगे हुए इसी तरह से हम यहाँ पे पोटली बटन लगाएंगे। देखें यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे पोटली बटन सेट करेंगे अपने इस तरह। और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगाएंगे। बटन लगा लिए, ठीक है। अब इस साइड पे भी इसी तरह हम पट्टी लगाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे लगाई थी। यहाँ से हम इसे एक्स्ट्रा रखेंगे आधा इंच आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी, ठीक है, पट्टी लगा दी मैंने ये वाली। ये हमारी पोटली बटन फिक्स हो गए। हम इस पट्टी को इस तरह मोड़ लेंगे इस तरह, और यहाँ से भी इस पट्टी को हम इस तरह मोड़ लेंगे। ये हमारी यहाँ से पट्टी पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह पट्टी को मोड़ के तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने तुरपाई कर ली, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स है, हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा दी, यहाँ पे हम इसे कट लगा देंगे सेंटर का, इसे हम सीधा कर लेंगे। अब इसे हम इसके साथ जोड़ लेंगे। इस कट से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और ये हमारी सीधी साइड है, ये भी हमारी सीधी साइड है। इस तरह हम इस कट से इसे मिला लेंगे। इसे हम यहाँ सिलाई लगाते हुए पूरी घुमा लेंगे आस्तीन पे, हमने सिलाई लगा ली यहाँ की, ठीक है। यहाँ से हमने इसे बराबर मिला लिया। अब ये बटन हम बंद कर लेंगे। हमारी स्लीव्स तैयार हो गई। ये यहाँ से इसी तरह हमारा ओपन रहेगा।